डब्ल्यू पी ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुश हम कहते हैं और आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है वो है साइबर सिक्योरिटी पर कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है तो हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम सच एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा फ्रॉम आज साइबर थ्रेट्स अब बेसिकली जो हमारे इंटरनेट के थ्रू जितने सिस्टम हमारे पास जो कनेक्टेड होते हैं आपस में उनकी प्रोटेक्शन को इन्हांस करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं या जो हम एक कोर फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं उसे हम कहेंगे साइबर सिक्योरिटी तो साइबर सिक्योरिटी आपकी क्या करती है हेल्पफुल आपको प्रोटेक्ट रहने में ऑन अ इंटरनेट वर्ल्ड ठीक है जिसे हम कह सकते हैं ऑन अ ग्लोबल इंटरनेट वर्ल्ड ठीक है एंड uh, नक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है कि हमारे पास जो प्रैक्टिस होती है बेस्ट प्रैक्टिस जो अनऑथोराइज एक्सेस को रोकने के लिए तो नॉर्मली हम इंटरप्राइजेज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं किसी ना किसी एक इंडिविजुअल को हायर कर लेती हैं मीन वाइट हेड को हायर कर लेती हैं या एक पूरी इंडिविजुअल्स की एक टीम को हायर कर लेती हैं नॉर्मली वाइट हेड्स की एक पूरी टीम को हायर कर लेती हैं जो क्या करते हैं आपके पास जो अनऑथराइज एक्सेस होती है उसको क्या करते हैं ब्लॉक करते हैं ठीक है अनऑथोराइज एक्सेस कैसे इट्स मीन डेड कि जब भी कोई हैकर या अटैकर आपके डेटा को एक्सपर्ट करना चाहे गेट करना चाहे और नॉर्मली आपके मॉडिफाइड करना चाहे तो उसके फ्रंट एंड सामने भी एक एक्सपर्ट ही बैठा होता है ब्लॉक करता है मतलब क्या है वट इज साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी वट आर सिक्योरिटी प्रॉब्लम फील्ड सिक्योरिटी प्रॉब्लम किस तरह की होती है साइबर फील्ड के अंदर हाउ टू इंप्लीमेंट एंड मेंटेन सिक्योरिटी फॉर साइबर फील्ड अराउंड अस तो so नॉर्मली हम सबसे पहले देखेंगे कि वट मीन वट इज़ द मीनिंग ऑफ साइबर वर्ल्ड इट इज़ द दम्बिनेशन फ्राम रिलेटिंग इन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द इंटरनेट एंड वर्चुअल रियलिटी इट्स मिन दैट कि जो हमारी जो साइबर वर्ल्ड होता है ये तमाम आपकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इट्स मिन दैट आई टी इंटरनेट एंड वर्चुअल रियलिटी से क्या करता है रिलेट करता है कम्बाइंड होता है बेसिकली नीड ऑफ़ साइबर सिक्योरिटी हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी साइबर सिक्योरिटी इज नेसेसरी सिंस इट्स हेल्प सिक्योरिंग डेटा फ्राम थ्रेड सच एज डेटा थे ठीक है और मिस यूज आल्सो सेफ गार्ड यूर सिस्टम फ्राम वायरसिस अब देखा होगा कि आपकी विंडोज़ के अंदर मल्टीपल वायरसेज अटैक होते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से होते हैं ठीक है और जब आपके पास जो थ्रेड्स होते हैं इट्स बीन डेट के समटाइम आपका डेटा सारा गेट कर लिया जाता है ऑन ऑन द बिहाफ ऑफ जिसे हम कह सकते हैं सम मनी ठीक है आप उसको पैसे देते हैं और देन आपको वो डेटा देता है ठीक है तो हैकर ये बेसिकली इस तरह के जो ब्लैक एंडे हैकर्स होते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं डेफिनेटली आपके जो डेटा होते हैं उनको गेट करने के लिए तो आपको डेटा को सिक्योर रखने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमारे पास किस तरह की आती हैं वायरसेज हैं हमारे पास हमारे सिस्टम्स में है, हैंकर आ जाते हैं मलवेयर्स आ जाते हैं टॉर्जन हॉर्सेज हो, आ जाते हैं और पासवर्ड क्रैकिंग जो मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास वायरसिस हैकरस मलवेयर्स टॉर्जन हॉर्सेज एंड पासवर्ड क्रैकिंग दीज आर द मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन आवर साइबर सिक्योरिटी अब नॉर्मली हम देखेंगे के हमारे वट इज़ वायरस एंड वार्म वायरस क्या होता है और वार्म्स क्या होते हैं वायरस एंड वार्म आर मलेशियस प्रोग्राम डेट सेल्फ रिप्लिकेटेड ऑन योर कंप्यूटर नॉर्मली हम देखा होगा बचपन जब हम गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते थे तो विंडोज़ एक्स पी के अंदर हमारे पास सेल्फ़ रिप्लिकेटेड फाइल्स बहुत ज़्यादा बन जाती थी जब हमारी विंडो एक्स पी प्रोटेक्टेड नहीं होती थी इन नॉर्मली ऑन दोज कंट्रीज़ जहाँ आपके पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उन जगहों पर ये काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और ये जो इंटरनेट फैलता था सॉरी जो ये वायरस फैलता था ये इंटरनेट के थ्रू फैलता था ठीक है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कंप्यूटर एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते थे उनके अंदर नॉर्मली ये थ्रेड क्या होता था वायरस थ्रेड हम फैला सकते थे ठीक है विदाउट द यूज़र बिंग अवेयर यूज़र को पता नहीं होता ये हो क्या रहा है नॉर्मली हम जो यू के थ्रू यू ड्रॉपिंग अटैक किए जाते हैं कि यू के अंदर वायरस डाल दिया जाता है यू एस पी के बिल ड्रॉप कर दी जाती है और आप अपने सिस्टम के साथ लगाते हो तो नॉर्मली आपके सिस्टम में बैक एंड पे वायरस ऑटोमेटिकली स्टोर्ड हो जाता है ठीक है ईच सबसिक्वेंट कॉपी ऑफ सच मलेशियस प्रोग्राम इज ऑल्सो एबल टू सेल्फ रिप्लीकेटेड ठीक है कुछ हमारे मलेशियस प्रोग्राम होते हैं जैसे लाइक like मैंने आपको पहले बता दिया कि हम प्रोग्राम्स सम टाइम ये सेल्फ होते हैं बैक एंड में आपकी जो वर्नेबिलिटीज़ होती हैं आपके सिस्टम के अंदर वो क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से ईजीली आपका सिस्टम क्या हो जाता है वर्नेबल हो जाता है नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका सोलूशन क्या है इंस्टॉल अ सिक्योरिटी शूट डेट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट थ्रेड सच एज वायरस एंड वार्म जैसे विंडोज़ इलेवन है इट्स अ लेटेस्ट विंडो उसका अपना एक मलवेयर है उसको लगातार आप अपडेट करते रहो तो सिक्योरिटी चेक्स लगाएगा उसके बाद डिफरेंट आपके पास हैं एंटी वायरसिस वो आप इंस्टॉल करो अपनी फायर वाल की प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं उसके बाद आ जाता है हु इज हैकर और हर कोई आजकल की दौर में हैकर बनना चाह रहा है हैकर बनना चाह रहा है तो हु इज हैकर हैकर होता क्या है हैकर इज अ पर्सन स्किल्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हु यूजेज देयर टेक्निकल नॉलेज टू अचीव अ गोल ओवरकम ऑन ऑब्स्टिकल्स विच इन विद इन अ कंप्यूटराइज सिस्टम बाय नॉन स्टैंडर्ड मीन्स मीन क्या होता है आपके पास एक हैकर हैकर एक स्किल्ड पर्सन होता है डीप नॉलेज रखता है अबाउट प्रोग्रामिंग के और जो स्क्रिप्ट राइटिंग को इजीली स्क्रिप्ट राइट को लिख सकता है और किसी भी एक सिस्टम के वर्नेबल अगर वहाँ मौजूद है लू फॉल मौजूद है उसके अंदर अपने स्क्रिप्ट को रन करके उसका तमाम डेटा को गेट कर सके उसके डेटा को मॉडिफाई कर सके मतलब हैकर एक जिसे हम कहते हैं कि वेल ट्रेंड पर्सन इन कंप्यूटर साइंस ठीक है जो प्रोग्रामिंग से डीपली अंडरस्टैंड करते हैं उसे हम बेसिकली हैकर कह रहे होते हैं टाइप्स ऑफ हैकर कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैव चेंज वर्क इन्वायरमेंट ऑफ वर्ल्ड बियड इमेजन बेसिकली जो आपके पास वर्क इन्वायरमेंट है आपके पास बिल्कुल बियड इमेजन आपके पास हो गया है बिल्कुल चेंज हो गया है ठीक है अब नॉर्मली आप एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हो जब तक आप अपनी प्रोटेक्शन को इनहांस नहीं करते तो हैकर नेटवर्क के थ्रू भी डिटेक्ट कर लेते हैं तो हैकर बेसिकली एक मेजर 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 प्रॉब्लम है इन आवर आई टी ठीक है इन आवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड इन आवर जिसे हमने आई डी अभी भी बोला था इट्स अस्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन आवर uh, जिसे हम कह सकते हैं ग्लोबल इंटरनेट वर्ल्ड ठीक है तो उसके अंदर भी इट्स अ मेन प्रॉब्लम ठीक है एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे आप नॉर्मली उस जगह पे जाके कम्प्लीटली पढ़ सकते हो कि टाइप्स ऑफ हैकर क्या हैं और हर हैकर क्या किस तरह परफॉर्म करता है नेक्स्ट uh, हम अगर मूव करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ हैकर आ जाते हैं नॉर्मली हमारे पास आता है व्हाइट हैट एथिकल हैकर ब्लैक हैट हैकर ग्रे हेड स्क्रिप्ट किडीज ग्रीन हैट हैकर ब्लू हैट हैकर रेड हैट हैकर स्टेट नेशन स्पॉन्सर हैकर एक्टिविस्ट मलिशियन इनसाइड विस्टल ब्लोअर ठीक है तो ये टाइप्स ऑफ हैं है। नॉर्मली आपने जो टाइप्स पहले पढ़ी होंगी वो पढ़ी होगी एटलीस्ट हमारे पास ये तीन तरह है के हैकर होते हैं व्हाइट हैड ब्लैक हैड ग्रे हेड बट दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ हैकरस इस पर कंप्लीटली ब्लॉग के अंदर एक यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है हमने एक ब्लॉग दिया होगा आप उस पर जाके इनको डिटेल्स के अंदर पढ़ सकते हो वो इज़ वाइट हेड है हैकर वो इज ब्लैक हैड हैकर वो इज़ ग् हेड हैकर तो लाजमी आप पढ़ें आपका एक नॉलेज ही भी इन्हांस होगा ब्लू हेड हैकर कौन होता है स्क्रिप्ट डीज़ कौन होते हैं है, तो आपको काफ़ी अच्छा से नॉलेज गेट होगा हाउ टू प्रिवेंट हैकिंग हम हैकिंग को प्रीवेंट कैसे कर सकते हैं रोक कैसे सकते हैं हम अपनी हैकिंग को इट इट मे बी इम्पॉसिबल टू प्रीवेंट कंप्यूटर हैकिंग अब बात वही आ जाती है कि इट्स एन इम्पॉसिबल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हैक ना हो सके जो नॉर्मली हैकर भी कहते हैं और नॉर्मली देखें हर एक सिस्टम में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं फॉर्मिलिटी पाई जाती है बस ये होता है कि आप उसको फाइंड कैसे करते हो बेसिकली दैट्स वाई यहाँ लिखा हुआ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट कंप्यूटर हैकिंग दैट्स वाई इट्स इट्स मीनिंग ऑफ डैड हाउ एवर एफिशेंस एफेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल इंक्लूड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड द यूज ऑफ फायर वाल कैन हेल्प ये आप कुछ मदद कर सकती हैं मैं ये नहीं कहूँगा कि हंड्रेड परसेंट इट्स हेल्पफुल बट इट्स हेल्पफुल फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम अ हैकिंग अटैक बट जब भी आप अपने सिस्टम को वर्बल छोड़ोगे तो ईजिली अटैक उस पर हो सकता है मलवेयर इट्स सम मैन थिंग मलवेयर आपके पास क्या आता है इज अ सॉफ्टवेयर इनिशियली डिज़ाइन टू कॉज डिस्क्रिप्शन टू अ कंप्यूटर सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क लीक प्राइवेट इंफॉर्मेशन गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और सिस्टम ठीक है तो बेसिकली मलवेयर इन तमाम चीज़ों के लिए बुलाया जाता है जस्ट लाइक टाइप्स ऑफ अगर हम मलवेयर देखें तो इसमें वायरसेज आते हैं वार्म आते हैं एंटॉर्जन आर्सिस आते हैं रैमसम वेयर आते हैं और इट्स अ मेन थिंग जो हमेशा पैसों के लिए स्टील की जाती है इट्स रैमसम बोट्स और बॉन्ड्स आ जाते हैं एडवेयर ठीक है स्पाईवेयर्स रूट किड्स फायरलेस मलवेयर ठीक है और मलवेरिस्ट टिंग जिसे हम कह सकते हैं तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मलवेयर हम मलवेयर को डिफरेंट डीपली डिस्क्राइब करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स टू स्टॉप मलवेयर हम कैसे इसको रोकते हैं डाउनलोड इन एंटी मलवेयर प्रोग्राम डैट आल्सो हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन ठीक है अब जस्ट लाइक आपकी विंडोज 11 विंडोज 10 दे हैव अपडेटेड एंटी मलवियर अटैक अटैकर्स ठीक है और इनको साथ साथ अपडेट करते रहें और जिस तरह के न्यू अटैक्स भी आते हैं तो आप नॉर्मली अपनी सिक्योरिटी को मैं ये कह सकता हूँ कि 80 परसेंट तक आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो 70 टू 80 परसेंट तक एक्टिविस्ट एक्टिव नेटवर्क थ्रैक प्रोटेक्शन फायर और एंटी वायरस इनके जरिए भी आप कर सकते हो ठीक है इनको स्टॉप कर सकते हो टॉर्च एंड हार्सिस क्या होते हैं हेयर इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ टॉर्ज एन हार्स माईड बी यूज टू इन्फेक्ट पर्सनल कंप्यूटर आपका जो पर्सनल कंप्यूटर कैसे मतलब करता है अटैक करता है इन्फेक्ट करता है तो ये इसमें हमने एक एग्जाम्पल दी हुई है दी विक्टम रिसीव एन ऑफिशियल लुकिंग ई मेल आपको एक मे ई मेल भेजी जाती है जो बिल्कुल ऑफिशियल लुकिंग होती है विद एन अटैचमेंट कोई ना कोई इसके साथ फाइल अटैच कर दी जाती है द अटैचमेंट कॉन्टेन मलेशियस कोड उसके अंदर कोई ना कोई एक मलेशियस कोड होता है एग्जीक्यूट सच एज सोन एज विक्टम क्लिक ऑन दी अटैचमेंट तो हम कोई भी अटैचमेंट भेज देंगे जस्ट लाइक like आपको एक मेल डिजाइन करके भेज दी जाती है कि यू आर अपॉइंटेड ऑन 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 दिस 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 जॉब ठीक है नॉर्मली जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ठीक है तो साथ एक फाइल अटैच करके आपको भेज दी जाएगी अब जो इस फाइल अटैच फाइल को आप क्लिक करते हो तो आप टॉर्जन आर्सेज के अटैक में आ चुके होते हो तो मैं आपको कहूँगा मुबारक बात हो आपको जॉब तो मिल गई है बट अपना डाटा देने की ठीक है नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू अवॉइड टॉर्जन अब सिक्योरिटी सिक्योरस आप इंस्टॉल करो सच एज अवास्ट इंटरनेट सिक्योरिटी विल प्रिवेंट यू फ्राम डाउनलोड टार्ज एंड हॉर्सेज इसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा आप वहाँ तो से आवास इंटरनेट ले सकते हैं सिक्योरिटी सूट्स और बेतहाशे और भी हैं आप उनको भी ले सकते हैं तो नॉर्मली अगर आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहें तो आप डेफिनेटली आप इसको, इसको इंस्टॉल कर लें ठीक है और मैं ये निकालूंगा इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इट्स कॉस्टली ठीक है पासवर्ड ट्रैकिंग इज़ अ मेन थिंग आजकल पासवर्ड ट्रैकिंग बहुत आम है बहुत ज़्यादा की जाती है ठीक है पासवर्ड ट्रैकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ assign using an applica application program to identify unknown or forget password to a computer or a network resource it can also be used to help a thread actor obtain अनअथोराइज एक्सेस टू रिसोर्सिज़ इट्स मीन डैट कि अगर मैं आपके पासवर्ड ट्रैकिंग अप्लाई करती तो हूँ जिसमें ब्रूट फोर्स अटैक इज अ मेजर अटैक आता है तो उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ कि आपकी किसी भी फेसबुक का पासवर्ड गैस करके इंस्टाग्राम का पासवर्ड गैस करके आपके सिस्टम के अनअोराइज एक्सेस ले सकता हूँ ्योरिंग पासवर्ड यूज़ आलवेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नेवर यूज़ सेम पासवर्ड फॉर टू डिफरेंट साइट्स बस सिम्पल है इसका सिक्योर करना साइबर सिक्योरिटी इज एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो साइबर सिक्योरिटी है हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये नहीं है कि नॉर्मली जो सिर्फ आई टी की रिलेटेड हैं वही करे एटलीस्ट आप लोग भी अपने सिस्टम को सिक्योर करो और बेस्ट ऑफ लक और काइंडली चैनल को लाइक like कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया